कन्दं प्रभुदेवचन्द्रं व्रजे स्वरूपेण पुरा प्रविश्य प्राप्तम् प्राण न पूर्ण सतत ब्रह्मा ममी प्रिया जा पाता भाव सिंह राज्ञन दाता निज धरम धाता दीन दीन कबंधो शरण प्रपद्य श्री कृष्ण कन्हैया लाल की श्री सद्गुरु महाराज की श्री प्राणनाथ प्यारे की दे। दे। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की श्री पाच नव तनपुरी धाम की जगदगुरु आचार्य श्री अक्षराठ कृष्ण मणिजी महाराज की समस्त सुंदर साथ की कल सातवा प्रकरण पूरा हुआ उसकी अंतिम चौपाई दोहराते हैं अब साथ अगले और बीच के और आखर की भी तक सो अब जाहिर होता है कहावत कहावत हुकुम श्री कृष्ण कन्हैया लाल की अब आठवां प्रकरण इस वितक में इसका शीर्षक है धामगमन लेकिन अन्य कई वितक में इसका शीर्षक दिया है अंतर ध्यान और बलिदान यहाँ खाली धामगमन शीर्षक दिया है लेकिन अंतर्ध्यान और बलिदान नाम से इस प्रकरण का शीर्षक है तो हमने पहले सातवां प्रकरण सातवें प्रकरण में क्या क्या सुना तो निजानंद स्वामी एवं श्रीजी का जन्म तथा धामगमन यहाँ पर सुना और पूरा वृतांत परमधाम से लेकर के ब्रजरास और सदगुरु जी की प्राकट्य फिर उनकी जीवनी संक्षिप्त में नौतनपुरी धाम किस तरह से आए भागवत श्रवण किस तरह से किया उन्हें परमात्मा का साक्षात्कार किस रूप में किस प्रकार से हुआ और उन्होंने सद्गुरु श्री देवचंद्र जी महाराज को ज्ञान महामंत्र प्रदान किया आदि आदि प्रसंग अब लालदास जी महाराज बताते हैं कि प्राणनाथ जी की जीवन ही किस तरह से चली उन्होंने जागनी लीला किस तरह से की और वे कितने वर्ष तक सदगुरु जी एवं प्राणनाथ जी महाराज इस शरीर से इस पंच भौतिक शरीर से इस संसार में कितने वर्ष पर्यंत उन्होंने लीला की क्या क्या कार्य किया वो संक्षिप्त में बताया और अंतिम में क्या कहा अब साथ अगले और बीच के जो पूर्व के सुंदर साथ जो सदगुरु जी के समय में जो जो घटना घटी सदगुरु जी से संबंधित घटना प्राणनाथ जी महाराज से संबंधित घटना उनके साथ उनके समकक्षी, समकालीन सुंदर साथ और बाद में जागृत होने वाले सुंदर साथ भी इस तरह से अब साथ अगले और बीच के और आखर की बीतक का सु अब जाहिर होता है कहावत हुकुम का अब आगे यही प्रसंग चलेंगे क्या कुछ लीला चली वो इस सातवें प्रकरण में, में संक्षिप्त रूप में बताया अब विस्तार पूर्वक बताएंगे तो हम आगे बढ़ते हैं अंतर ध्यान और बलिदान का प्रकरण जिसे यह, इस, इसको यहाँ पर धामगमन के रूप से आ, रखा गया है तो कहते हैं अब तुम सुनियो मोमिन मोमिना देखो अपने कदम साथ चले जिन भाँत सो दे तसीहत आत्मा यहाँ पर लालदास जी महाराज अब कहते हैं अब तुम सुनियो मोमिना हे ब्रह्मा आत्माओं हे सुंदर साथ जी यह संबोधन करते हैं यहाँ मोमिन का मतलब क्या है कि जो ईश्वर के प्रति समर्पित परमात्मा के प्रति समर्पित जिनका हृदय अतिशय शुद्ध हो अतिशय पवित्र हो ऐसे प्रेम से भरपूर ऐसे सुंदर साथ ऐसे ब्रह्म आत्मा हे मोमिन हे सुंदर साथ जी अब आप लोग सुने याख्यान यह जो मैं बताने जा रहा हूँ यह प्रसंग सुनाने जा रहा हूँ यह सुने और सुनकर के क्या देखें देखो अपने कदम देखो मतलब स्वयं को देखो समीक्षा करो अपने आप को देखो और अपने कदम देखो अपने कदम या कदम का मतलब क्या है हम किस तरह से किस चाल में चल रहे हैं हमारा चाल चलन किस प्रकार से है हमारी रहनी किस प्रकार से है यहाँ कदम मतलब चाल चलन रहनी आचरण हमारा आचरण किस प्रकार का है हमारी रहनी किस प्रकार की है उसके ऊपर समीक्षा करो देखो गौर से ध्यान दो यहाँ मतलब देखो मतलब देखना ध्यान पूर्वक देखना उसको समीक्षा करना भी बोलते हैं जो विशिष्ट शब्द जो प्रयोग करते हैं उसको समीक्षा करना अपने आप को देखना अपने चरणों को देखना मतलब अपने कदम को देखना जिस तरह से हम चल रहे हैं किस ढंग से चल रहे हैं क्या चल चलन चाल चलन हमारा सही है ये कहने का मतलब देखो अपने कदम माँ क्या कैसे देखें तो यह कहते हैं साथ चले जिन भातसो देनासीहत आत्मा अब किस तरह से क्या देखना है तो वो कहते हैं साथ चले जिन भातसो अब महामती श्री प्राणनाथ जी महाराज जिन्हें सुंदर सात साक्षात धाम धनी के रूप में देखते थे जब उनका धामगमन हो गया वो अंतर्ध्यान हो गए उन्होंने जब इस पंचभौतिक शरीर को छोड़ा उस समय क्या कुछ घटना घटी क्या कुछ प्रसंग बना कितने सुंदर साथ उनके साथ साथ जी महाराज का ध्यान होना है वे अब इस शरीर को छोड़ने वाले हैं यह सुनते ही सुंदर साथ धाम चल बसे इसीलिए ये कहा साथ चले जिन भातसो सो जिस प्रकार से वे चले जिन भातसो सो मतलब जिस प्रकार से जिस तरीके से वे चले साथ चले मतलब धाम को चले जिन भातसो देत नसीहत आत्मा देखो ये नसीहत मतलब क्या शिक्षा नसीहत मतलब उपदेश देत नसीहत आत्मा यहाँ हमारी आत्मा को वो नसीहत देने वाला उनका व्यवहार रहा वो जिस तरह से चली गई संसार छोड़ के एक झटके में माया को छोड़ के परम धाम चल बसी चर परम धाम उठ गई उनके चाल चलन से वो क्या है या बोलते हैं कहते हैं देत नसीहत आत्मा उनका व्यवहार उनकी रहनी उनका कार्य कैसा रहा कि हमें भी नसीहत वो देने जैसा कार्य है उन्होंने ऐसा कार्य किया जो कार्य हमें उपदेश करेंगे हमें शिक्षा मतलब सीख देने वाला कार्य ऐसा किया उन ब्रह्म मुनियों ने उनको उनको देख करके के और हम अपने आप को देखें और तुलना करें क्या हमारा कार्य सही है हम हम जिस तरह से चल रहे हैं वो सही है ये कहने का मतलब है इसको अच्छी तरह से समझना अब तुम सुनियो मोमिना देखो अपने कदम साथ चले जिन सो जिस प्रकार से सुंदर साथ ब्रह्म मुनिजन जिस प्रकार से अपना शरीर छोड़ करके धाम धनी से आगे वे जागृत हो गए अपना शरीर छोड़ दिया उन्होंने देत नशिहत आत्मा सच्चे आशिक सच्चे प्रेमी तो ऐसे होते हैं तो इस प्रकार की शिक्षा सिख शिक उपदेश हमें इन लोगों ने दिया उन सुंदर साथ ने दिया इसलिए हमारी आत्मा को शिक्षा देने वाला कार्य उन्होंने किया यह अर्थ है अब देखिए यहाँ दूसरी चौपाई यहाँ अलग है लेकिन किसी कारणवश यहाँ चौपाई दो चौपाई छूटी हुई है तो यहाँ ये यह जो दो चौपाई है ये चौथी चौपाई है इसलिए मैं जो छुटी हुई चौपाई यहाँ बोलूँगा तो कूच किया श्री बाई जी ने आगे श्री जी साहिब जीत चली सब साथ में सब धन धन कहे अब अब ये लिखना हो तो आप लिखो कूच किया श्री बाई जी ने छुट्टी हुई चौपाई कूच किया श्री बाईजी ने आगे श्रीजी साहिब जीत चली सब साथ में सब धन धन कहे अब हाँ अब दूसरा भी लिखी लो तीसरी चौपाई भी सत्रह सौ पचास में संबत सत्रह सौ पचास में बैसाग, बैसाख बैसाख सुदी अष्टमी बैसाख सुदी अष्टमी वार बुध पोहर चढ़ते वार बुध पोहर चढ़ते ठौरा अपने जाए जमी ठौरा अपने जाए जमी हाँ ये दूसरी और तीसरी चौपाई हाँ ये किसी कारण से वो कंप्यूटर सेटिंग करते हुए किसी तरह से ये छुटा है हाँ अब ये ध्यान देते हैं दूसरी चौपाई में कहते हैं कि कुछ किया श्री बाई जी ने कुछ मतलब प्रस्ताव प्रस्थान किया कुछ किया श्री बाई जी ने आगे श्रीजी साहिब अब बाईजीराज महारानी एवं प्राणनाथ जी महाराज का धाम गमन का प्रसंग यहाँ पर उल्लेख कर रहे हैं कुछ किया श्री बाई जी ने आगे श्रीजी साहिब आगे मतलब तो पूर्व से ही पहले ही मतलब आगे श्रीजी साहिब श्रीजी साहिब प्राणनाथ जी महाराज से पूर्व बाईजी महारानी ने प्रस्थान किया धाम की ओर प्रस्थान किया जीत चली सब साथ में देखो अब ये थोड़ा समझने का है जीत चली सब साथ में अब वहां क्या किस चीज की प्रतिस्पर्धा थी वहां जीत हार की क्या बात थी तो यहां कहते हैं जीत चली सब साथ में उन्होंने माया को सबसे पहले जीत लिया सभी सुंदर साथ के बीच उन्होंने माया को इस तरह से परित्याग किया उन्हें इस संसार का कोई भी मोह नहीं रहा माया को जीत करके माया पाड़ी पड़ताले हणी बीतकमा वाणी में आवे छे ना माया ने माया को क्या किया मतलब पैर से वैसे ठोकर मार करके ऐसे चलने वाले ब्रह्मात्मा अब हमें माया अपने पैर से दबा लेती है लेकिन सच्चे सुंदर साथ, सच्चे ब्रह्मात्मा माया को ठोकर मार करके पैर से कुचल करके आगे बढ़ते हैं तो यहाँ माया को उन्होंने जीत लिया और परमधाम जागृत होने में भी उन्होंने जीत ली सबसे आगे परमधाम जागृत हो गई अन्य सारे सुंदर साथ थे लेकिन सबसे आगे हो चली कौन राज महारानी इसलिए कहा जीत चली सब साथ में सारे सुंदर साथ देखते रह गए लेकिन बाइजू महारानी परमधाम में जागृत हो गई मतलब सबको उन्होंने जीत लिया सबसे आगे हो गई मतलब ये अर्थ है वहाँ कोई प्रतिस्पर्धा नहीं थी फिर भी यहाँ शब्द प्रयोग किया जीत चली सब साथ में सब धन धन कहें अब वे उन्होंने ऐसा कार्य किया अब सारे सुंदर साथ धन्य धन्य कह रहे हैं मुक्त कंठ गायन कर रहे हैं यशोगान कर रहे हैं भाईजीराज महारानी ने जिस तरह से शरीर छोड़ा जिस तरह से वो परमधाम जागृत हो गई सुंदर साथ की सेवा करते करते वो जिस तरह से धाम में उठी तो वो कार्य ऐसा कार्य देख करके सारे सुंदर साथ कह रहे हैं धन्य, धन्य 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 कह करके गायन कर रहे हैं प्रशंसा कर रहे हैं महिमा गान कर रहे हैं यह अर्थ है और तीसरी चौपाई में जाते हैं संवत सत्रह सौ पचास में अब उनका ये धामगमन तिथि है बाजीराज महारानी की धामगमन तिथि संवत सत्रह सौ पचास में बैसाख सुदी अष्टमी वार बुध पोहर दिन चढ़ते ठौर अपने जाए जमीन विक्रम संवत सत्रह सौ पचास और महीना कौन सा बैसाख सुदी मतलब शुक्ल अष्टमी के दिन विक्रम संवत सत्रह सौ पचास बैसाख शुक्ल अष्टमी के दिन बुधवार था उस दिन जिस दिन बुधवार था बुधवार के दिन पौर दिन चढ़ते मतलब अब प्रथम प्रहार की अंतिम घड़ी लगभग नौ बजे ठौर अपने जाए जमी ठौर स्थान अपने स्थान में वो जाए जमी मतलब यहाँ जमी मतलब भी वो स्थान ही होता है अपना स्थान जो परमधाम है वहाँ पहुँच गई बाई जीराज महारानी ठौर अपने अपना ठौर वहाँ पहुँची जाकर के पहुँची कहाँ अपने ही मूल स्थान में जमी जमी ये देखो ये यह, यहाँ खाली जमी वो इकार है लेकिन यह शब्द है अरबी शब्द है जिसको जमी ऊपर बिंदी होती है जमी ऐसे बोलते हैं उसका मतलब है जैसे जुबाँ बोलते हैं है और हम क्या बोलते हैं जुबान बोलते हैं ना ज़ुबान बोलते हैं न को ये लोग बिंदी बना देते हैं पूरा न उच्चारण करते नहीं ये जुबा बोलते हैं तो इसी तरह से ये ज़मीन नहीं जमी यह है, है अर्थ इसका जमीन ही स्थान है अपने मूल स्थान में मूल स्थान परमधाम जागृत हो गई बाईजी राज महारानी उनकी तिथि सब बता दिया ये हो सके तो याद हमें करना चाहिए कि संवत सत्रह सौ पचास में बैसाख सुदी अष्टमी वार बुध पहर दिन चढ़ते ठौर अपने जाए जमीन ये सत्रह सौ पचास मतलब होता है ईस्वी सन सोलह सौ होता है ईस्वी सन सोलह सौ में वो उनका धामगमन होता है इस तरह से अब हम चौथी चौपाई जो भी तक में अभी है वहाँ पर जाते हैं तो अब प्राणनाथ जी महाराज का जो अंतर्ध्यान प्रसंग वह जोड़ते हैं संवत सत्रह से इक्यावन आषाढ़ के महीने दिन चौथ पिछली रात में धनी पहुँचे धाम अपने अब यहाँ कह रहे हैं कि सुंदर शाह जी संबत सत्रह से इक्यावन आषाढ़ के महीने दिन चौथ पिछली रात में धनी पहुँचे धाम अपने कह रहे हैं प्राणनाथ जी महाराज कब विक्रम संबत सत्रह सौ इक्यावन आषाढ़ का महीना और आ, दिन चौथ पिछली रात में धनी पहुँचे धाम अपने ईस्वी सन सोलह जो बाइजराज महारानी ईस्वी सन सोलह सौ में धाम गई तो उनके एक साल बाद में प्राणनाथ जी महाराज अंतर्ध्यान होते हैं ईस्वी सन सोलह सौ चौरानब्बे आषाढ़ का महीना जब चल रहा था और कब तिथि बता रहे हैं दिन चौथ चौथ तिथि लेकिन पिछली रात में अब चौथी ये देखो कंफ्यूज बहुत होते हैं यहाँ पर कि दिन चौथ पिछली रात में और चौथी के पिछली रात नहीं है अब यहाँ पिछली रात तृतीय तिथि की पिछली रात है लेकिन चौथ के शुभारंभ में चौथी तिथि का दिन अब शुरू हुआ है लेकिन तीज की अंतिम रात्रि जैसे तीज तिथि और दूसरे दिन लगभग अब दो घड़ी तीज की रात की दो घड़ी बाकी है मतलब दो घड़ी मतलब कितने अड़चालीस मिनट जब बाकी है उस समय का यहां घटना है दिन चौथ चौथे के दिन की सुबह पिछली रात में तृतीय की रात्रि जब थोड़ी शेष बाकी है कितनी बाकी है दो घड़ी बाकी है दो घड़ी मतलब 48 मिनट कितना है दो घड़ी मतलब कितना है अच्छा हाँ धनी पहुंचे धाम अपने मतलब प्राणनाशी महाराज को वहां धनी के रूप में संबोधन कर रहे हैं धनी पहुंचे धाम अपने अपने धाम परम धाम में जागृत हो जाते हैं यह अर्थ है तो इसके लिए बोलते हैं बारह शुक्र जुम्मे का पिछली रात घड़ी दोए पहुंचे अरस अजीम को दारुल बक्का कहया सोए या कहते हैं दिन कौन सा था शुक्रवार का दिन था जिसको जुम्मे का दिन भी बोलते हैं कुरान में इसको जुम्मे का दिन बोलते हैं इसलिए ये दोनों उल्लेख कर रहे हैं पिछली रात घड़ी दो आज भी मुसलमान लोग शुक्रवार को जुम्मे का दिन ही बोलते हैं है ना? तो यहाँ दोनों इसलिए रखा पिछली रात घड़ी दो तृतीया की पिछली रात तृतीया रात अब पूरी होने को है लेकिन कितने बाकी है हाँ दो घड़ी रात बाकी है पिछली रात घड़ी दो ये तृतीया की पिछली रात अर्थात अंतिम दो घड़ी अड़चालीस मिनट की रात बाकी है उस समय पहुंचे अरस अजीम को जी महाराज अरस परमधाम अजीम बोलते हैं महान महान है ना उसको अजीम बोलते हैं महान है श्रेष्ठ है विशाल है महान श्रेष्ठ विशाल जो भी लिखे देखिए तो उसको अजीम बोलते हैं दारुल बक्का कहया सोए उस महान परम धाम में उस विशाल परमधाम में उस श्रेष्ठ परम धाम में वे पहुँचे जिसको क्या कहा दारुल बक्का कहा सोए दारुल बोलते उत्तम अति उत्तम अति उत्तम और अति विशिष्ट उसको दारुल बोलते हैं बका मतलब नित्य नित्य अखंड जो कभी भी नाश नहीं होता उसको बका बोलते हैं उसे अविनाशी कहा गया विशाल जो है अति उत्तम है अति विशिष्ट जो कभी भी नाश नहीं होने वाला ऐसे स्थान जिसको परमधाम कहते हैं वहां पर प्राणनाशी महाराज की सुरता वहां पहुंचती है वे जागृत हो जाते हैं परमधाम में ये अर्थ है तो अब हम आगे छठ चौपाई में जाते हैं जिन मोमिन को पहचान तिन बाँधी कमर्रा सौंपी आत्म कदमों हुए सब ऊपर अब कह रहे हैं उस समय क्या कुछ घटना घटी इसके विषय में बता रहे हैं जिन मोमिन को पहचान अब यह पहचान देखो जिन सुंदर सात को, को यह मोमिन का अर्थ सीधा सीधा सुंदर सात जिन सुंदर सात को ये पहचान हो गया क्या कि प्राणनाथ जी महाराज साक्षात साक्षात धामधनी के स्वरूप है और हम सभी अंगनाए हैं हम सभी आत्मा परमात्मा की रूह है हमारा निस्वत परमधाम से है परमात्मा से है हम सभी उनकी ही आत्माएं हैं ऐसा जिन मोमिन को पहचान हुआ जिन्होंने ऐसा जाना हमारा संबंध परमात्मा से है और परमात्मा स्वयं जी महाराज के रूप में हमारे समक्ष विराजमान है ऐसा जिन सुंदर साथ को लगा परिचय हुआ तीन बांधी कमर रहा अब उन्होंने कमर बांध लिया कमर बांधने का क्या मतलब है कमर बांधने का मतलब है एक मुहावरा है कमर बांधने का मतलब है तैयार होना हमने कमर बांध ली मतलब हम तैयार हैं किसी भी कोई कार्य हमें करना है आग, आगे आगे कार्य पड़ा हुआ है और उसके लिए चलो हम तो उस कार्य करने के लिए कमर बांध के तैयार है मतलब कमर बांध लिया है हमने मतलब हम तैयार हैं हम अब पीछे हट करने वाले नहीं हैं तीनों ने तीन बांधी कमर बस जिन्होंने प्राणनाथ जी महाराज को अपने धाम धनी के रूप में जाना अपने आप को परमधाम की अंगनाओं के रूप में राज्य की अंगना के रूप में जाना बस उन्होंने तीन बांधी कमर रहा उन्होंने कमर बांध लिया क्या करने के लिए क्या करने के लिए प्राणनाथ जी महाराज धाम अब जागृत होने वाले हैं वो अंतर ध्यान होने वाले हैं तो हम भी उनके साथ साथ में संसार छोड़ेंगे अब हम संसार में एक पल भी नहीं रहेंगे ये उन्होंने विचार किया मतलब अपना सब कुछ समर्पित करने के लिए अपने बलिदान जैसे पहले आया ना बलिदान का प्रसंग है अपना बलिदान देने के लिए उन्होंने तैयारी कर ली ये अर्थ है सौंपी आत्म कदमों हुए सब ऊपर सबने क्या किया उस समय सौंपी आत्म कदमों धाम धनी के चरणों में अपनी आत्मा को समर्पित कर दिया हुए सब ऊपर जिन सुंदर साथ ने उस समय संसार परित्याग कर दिया धाम धनी के ध्यान प्रसंग सुनते ही जिन्होंने प्राण छोड़ दिए सब कुछ समर्पित कर दिया वो सबसे ऊपर हो चले सबसे सबसे विशेष महिमा उनकी हो गई ये कहने का मतलब है हुए सब ऊपर, सभी आत्माओं में देखिए यहां अलग, अलग 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 प्रकार की आत्मा हैं। उनसे तो ऊपर है ही वहां पर जो सुंदर जी उपस्थित थे उनमें भी जो प्राण अभी जिन्होंने रखा है उनसे वे ऊपर हो चली उनसे विशिष्ट हो चली ऐसी आत्माएं जिन्होंने धाम धनी के अंतर्ध्यान प्रसंग श्रवण करते ही अपना शरीर त्याग दिया अपना प्राण प्राण प्रियतम के चरणों में समर्पित कर दिया ऐसी आत्मा ऐसे सुंदर साथ सबसे ऊपर हो गई मतलब सबसे उनकी महिमा विशेष हो गई या आगे कहते किस प्रकार से छोड़ा तो शरीर या कहते हैं जिन ढील खीन एक ना करी सुन के पानी किया हराम हम पहुंचे सेवा मिने और न कोई काम <coughs> देखो या कहते हैं जिन ढील खीन एक ना करी जब जी महाराज ने पहले ही सावचेत किया था कि अब हम धाम चलता है तुम हो जो ये कहा था ना तो सबको सब बैठे हुए थे बहुत दुखी थे चिंतित थे और जैसे ही प्राणनाथ जी महाराज ने अपनी शूरता को परमधाम में लगाया उन्होंने इस शरीर को छोड़ा उस समय ये सुनते ही प्राणनाथ जी महाराज ने अपने धाम धनी ने अपनी सुरता को धाम में लगा लिया परमधाम में पहुंचाया यह सुनते ही जिन ढील खीन एक ना करी जैसे ही श्रवण किया एक क्षण भी उन्होंने विलंब नहीं की ढील मतलब यहां विलंब देरी एक क्षण यहां देखो जिन ढील मतलब विलंब खिन मतलब क्षण एक ना करी एक क्षण भी एक पल भी जिन्होंने विलंब नहीं किया इधर उधर कुछ कुछ विचार ही नहीं कुछ संकल्प विकल्प ही नहीं किया सुन के पानी किया हराम जैसे ही सुना मानो मुख में पानी भरा पड़ा हो और वो निगलना भी उसको पानी को निगलना भी उन्होंने हराम मतलब पाप समझ लिया क्या निकलने अब पा, अब इस पानी को एक पल भी उनको कुछ भी देरी नहीं हुई तुरंत उन्होंने प्राण छोड़ दिए इस प्रकार की घटना वहां होती है मतलब सुन के पानी किया हराम मतलब यह सुन के पानी किया हराम यह भी इसी प्रकार से एक फ्रेज है कि पानी पीना भी पाप समझ लेना कोई पात्र में पानी है और पीना ऐसी बात नहीं है ये तो साधारण भी कोई अपने सोजन परिजन को ही धामगमन होता है ऐसे प्रसंग सुनते हैं तो हम तुरंत पानी नहीं पीते लेकिन यहाँ प्रसंग क्या है वो कहते हैं मुख में पानी भरा है पानी पीने के लिए मुख में भरा है प्रसंग सुना कि धाम धनी का धामगमन हो गया तो पानी अंदर निगलने भी उनको लगा कि यह व्यर्थ है ये तो पाप ही होगा तो पानी भी निगलने का भी समय उनको उन्होंने विचारा नहीं तुरंत सुना सुनते ही उन्होंने भी अपना प्राण निक्षावर कर दिया एक श्वास भी उन्होंने ली नहीं कि ये समाचार सुनते ही श्वास अंदर का अंदर बाहर का बाहर जैसे ही सुना तुरंत उन्होंने प्राण छोड़ दिया ये कहा ये अर्थ है कि हम पहुँचे सेवा मिने और न कोई काम तो यहाँ क्या कहते हैं हम पहुँचे सेवा मिने बस अब हम तो धाम धनी के सेवा में ही यहाँ भी सेवा अर्थ खड़े थे और परम धाम में भी उनकी सेवा में ही हम उनसे पहले पहुंचेंगे धाम धनी से पहले पहुंचेंगे और न कोई काम हमारा यहाँ पर कोई काम नहीं है यहाँ रहने का कोई अर्थ नहीं है इस तरह से एक पल में उन्होंने अपना प्राण छोड़ दिया शरीर छोड़ दिया ये अर्थ है और आगे कहते हैं श्वास न खाया बीच में छोड़ी ना साईत उठे धाम वतन में ये फरदा रोज कयामत अब कहते हैं श्वास न खाया बीच जब मैं अभी पहले मैंने बताया सुनते ही जहाँ जिस तरह से जैसे स्टैचू हो, होता है मूर्ति होती है उसी तरह से सुनते ही वो मूर्ति बन गई मतलब जो जो सुंदर साथ ने इस तरह से ये ऐसा व्यवहार किया मतलब ऐसा उनसे हुआ जो जो सुंदर साथ से सुनते ही श्वास अंदर का अंदर बाहर का बाहर कहीं लेना और छोड़ना नहीं है श्वास प्रश्वास हुआ ही नहीं उसी समय श्वास अवरुद्ध हो गई ये अर्थ है श्वास न खाया बीच में श्वास लेने में कितना समय लगता है बस श्वास लिया बस छोड़ा कुछ समय नहीं लगता लेकिन उतना भी समय उन्होंने लिया नहीं श्वास तुरंत अवरुद्ध हो गई ये अर्थ है छोड़ी ना साई अब थोड़ा भी विलंब हो तो देरी हो जाएगी इसलिए उन्होंने क्या किया छोड़ी ना उस सुबह घड़ी साइथ मतलब सुबह घड़ी वह मुहूर्त कौन सा मुहूर्त परमधाम में जागने का मुहूर्त अब यहाँ थोड़ा भी विलंब करें तो वहां विलंब हो जाएगा इसलिए नहीं धाम धनी से आ गई हम उनकी सेवार्थ हम वहां पहुंच जाएंगे इसलिए इस भाव से उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया छोड़ी न ना साहित्य जाने नहीं दिया मतलब उस साहित्य को उस मुहूर्त को उस समय को उस शुभ घड़ी को जाने नहीं दिया उन्होंने उसी मुहूर्त उसी घड़ी में अपना सब कुछ निक्छावर कर दिया उठे धाम वतन में ए फरदा रोज क्या मत उसी समय वे धाम अपने घर में अपने परम धाम में उठ गए ये फरदा रोज क्या मत देखो ये फरदा रोज क्या मत ये बोलते हैं कुरान में इसको कहा है रोज ए फरदा कुरान में कहते हैं फरदा रोज क्या मत ये सीधा सीधा लिखा है लेकिन इसको कुरान में कहते हैं रोज ए फरदा तो रोज मतलब वो दिन होता है रोज ए फरदा मतलब इसको बोलते हैं आने वाला दिन रोज ए फरदा इसका अर्थ होता है आने वाला दिन अब इसको आने वाला दिन क्या है मतलब क़यामत रोजे फरदा फरदा रोज, रोज कयामत यहाँ एक ही साथ में ले लिया लेकिन यहाँ रोज ए फरदा क्यामत आने वाला दिन वो कौन सा दिन है कयामत का दिन है कयामत मतलब क्या है जैसे हम प्रलय बोलते हैं ना हम प्रलय बोलते हैं ये लोग क्या बोलते हैं क्यामत बोलते हैं उसके अलग अलग मायने हैं तो क्यामत कुरान में ऐसा कहा है क्यामत मतलब सृष्टि का अंतिम दिन जब पूरी सृष्टि नाश हो जाएगी उसे कहा क्यामत उस दिन खुदा सारे लोगों के जो कर्म है उसका लेखा जोखा करेगा ऐसा मुसलमान का मानना उनका विश्वास है मुसलमान भी मानेंगे ईसाई भी मानेंगे यहूदी भी ऐसा ही मानेंगे कि क़यामत की घड़ी जब होगी सारा संसार जब नाश हो जाएगा सृष्टि का अंतिम दिन होगा उस समय खुदा सबके जो कार्य है ना उसका हिसाब रखेगा सब उसके पास वही खाता होगी और वो एक एक हिसाब रखेगा किसने अच्छा कार्य किया किसने बुरा कार्य किया सारा हिसाब रखेगा उसको ये लोग बोलते हैं रोजे फर्दा कयामत करके बोलते हैं तो उसी के लिए यहां बोल रहे हैं देखो अब लालदास जी महाराज प्राणनाथ जी महाराज उनको समझाते हुए बोलते हैं देखो तुम लोग तो ये ऐसा बोलते हो सृष्टि के अंतिम को क्यामत बोलते हो हम इस तरह से अर्थघटन करते हैं अब किसी ने अपना शरीर छोड़ा उसके लिए तो क्यामत हो गया लेकिन इतना ही शरीर छोड़ने को ही क्यामत नहीं बोलते अब बिल्कुल सांसारिक विषय वासना से जो मुक्त होगा ना उसको क्या मत बोलते जैसे हम बोलते हैं ना मोक्ष हो गया उसका वो मुक्ति को प्राप्त कर ली उसने ऐसा बोलते हैं ना क्या है मुक्ति प्राप्त करना मतलब मरना मुक्ति प्राप्त करना नहीं होता शरीर छूटते ही स्वर्ग मिलेगा शरीर छूटते ही बैकुंठ मिलेगा ऐसी बात थोड़ी है उसने जैसा कर्म किया है उसकी सुरता जहाँ जाकर के लगती है वो वहीं पहुँचता है इसलिए कहते हैं कि है मुसलमानों तुम लोग जो कह रहे हो वो बाह्य अर्थ है हम क्या कह रहे हैं वो भीतरी अर्थ बातुनी अर्थ बोल रहे हैं क्यामत का मतलब क्या है वो आत्म जागृति है केवल शरीर छोड़ने को क्यामत नहीं कहते आत्म जागृति हो इस शरीर में रहते हुए भी जिसकी सूरता परमात्मा में लगी हुई हो इस संसार में रहते हुए भी जिसकी सूरता भरतार में लगी हुई हो बस उसके लिए यही क्या मत है ऐसा बोलते हैं तो यहां यह समझाना चाहते हैं जो कुरान में कहा बारहवीं सदी में क्या होगा तो लालदास जी महाराज यही समझाते हैं देखो इनके लिए तो क्यामत हो गया किन के लिए जो सुंदर साथ धाम धनी के अंतर ध्यान का समाचार सुनते ही अविलंब कोई विलंब किए बगैर वो परमधाम में जाग गई परमात्मा के चरण में पहुंच गई ऐसी आत्मा के लिए तो बारहवीं सदी हो गया अब वो उसकी बात वो ही बात है बातुनी बात तो बातुनी रहस्य तो यह है जिन्होंने संसार को तुच्छ मान करके संसार के विषय वासना को तुच्छ मान करके एक और पंछा दिया हटा दिया और स्वयं परमात्मा के चरणों में जाग गई ऐसी आत्मा के लिए ये फरदा रोज क्या मत है कल आने वाला दिन जो कुरान में कहा गया है बारहवीं सदी कल आने वाला कयामत ऐसा कुरान का भविष्यवाणी कुरान की भविष्यवाणी लेकिन उसको लालदास जी महाराज बोलते हैं अब कल कल करके बारहवीं सदी देखने की आवश्यकता नहीं है वो कल आ गई ही है वो समय आ गया जिन्होंने आत्म जागृति कर ली उनके लिए फरदारोज क्या मत हो गया तो ये अर्थ है तो आगे कहते हैं हम साथ देखते रहे जिन घेर लिया घेना और जब आँखें खुली ताए क्यों ना पड़े चैना चैना तो लालदास जी महाराज कहते हैं देखिए ऐसे सुंदर साथ भी हुए जिन्होंने एक पल का भी विचार नहीं किया धाम धनी के पीछे आगे चल बसी उन्होंने कोई विलंब नहीं किया वो शोभा को प्राप्त हो गई जिनकी आत्मा जागृत हो गई परमधाम में पहुंच गई परंतु हम साथ देखते रहे हम हैं कि वो देखते ही रह गए ऐसी घटना को नज़र सामने देखे कई सुंदर साथ ने ऐसा लाभ लिया ऐसी शोभा प्राप्त की लेकिन हम तो देखते ही रह गए हम साथ देखते रहे जिन घेर लिया घेना घेन मतलब नींद घेन मतलब नींद कौन सा अंधकार रूपी नींद यह है ना अंधकार रूपी अज्ञान रूपी नींद ने हम नींद में हम फंस गए नींद ने हमें घेर लिया बस या कहते जिन घेर लिया जिन मतलब जिन को जिन सुंदर सात को अज्ञान रूपी अंधकार ने घेर लिया अंधक अज्ञान रूपी नींद में सो गए ऐसे जिन घेर लिया ना जब आंखें खुली ताए क्यों ना पड़े चाइना पहले तो आँखें मुद करके हम बैठे हम नींद में सोते रहे सोए पड़े जब आँखें खुल गई जब धाम धनी अंतर ध्यान हो गई कई सुन्दर साध भी साथ साथ में परम धाम जागृत हो गई कुछ समय के बाद में हमारी आँखें खुली हम सचेत हो गए होश में आ गए तब ताए क्यों ना पड़े चैन अब किसी भी तरह से उनको आनंद मिलने वाला नहीं है आराम होने वाला नहीं है चैन मिलने वाला नहीं है किस तरह से होगा अपने धाम धनी धाम जाते हुए हम देखते रह गए तो ऐसी आत्माओं को जागृत होने के बाद कैसे चैन पड़ेगा वो तो पश्चाताप की अग्नि में जलने लग जाएंगी कि हमने क्या कर दिया ऐसा वो शुभ मुहूर्त था शुभ घड़ी थी लेकिन उसका हमने अनुपालन नहीं किया उसका उपयोग सदुपयोग नहीं किया ऐसे सदुपयोग करने वाले अनेक सुंदर साथ हुए लेकिन हम देखते रह गए तो यह है हमें कभी चैन पड़ने वाला नहीं है दर्द न आया धनी का बिछुड़ते न उड़ी अरवाहे, साथ मिने तिन का मुख ऊंचा होवे क्यों ताए तो यह कहते हैं ऐसे ऐसे धाम धनी के विरह का दर्द हमें नहीं हुआ मतलब उन सुंदर साथ जिन्होंने अपना शरीर रखा शरीर के मुह में इस माया के मुह में मान प्रतिष्ठा के मोह में उसके मान प्रतिष्ठा के चंगुल में जो फंसे हैं ऐसे सुंदर साथ जो स्वयं को एक निर्देश करके बोल रहे हैं हम बोल रहे, तुम यहां नहीं बोल रहे रहे तुम नहीं हैं लाल जी महाराज हम ऐसे सुंदर साथ में हैं देखिए लालदास जी महाराज वैसे तो वो परमधाम जागृत होने के लिए सबसे पहले तैयार हो गए थे उन्हें तो प्राणनाथ जी महाराज ने रोक करके रखा तुम्हारा कार्य बाकी है अभी तुम म धाम जागृत नहीं हो पाओगे जैसे ये कार्य सिद्ध करोगे पूरा करोगे फिर तुम्हारे लिए धाम दरवाजा खुला रहेगा यह तो उनको कह करके रुकवाया गया फिर भी लालदास जी महाराज कहते हैं हम कितने अभागी हैं हम उस समय का लाभ हम न ले पाए हमारे जैसे अनेक सुंदर साथ हैं जो देखते रहे लेकिन उस समय का लाभ नहीं लिया इस तरह से बताते हैं कि दर्द न आया धनी का बस धनी का दर्द मतलब धनी के वियोग का दर्द धाम धनी अंतर्ध्यान हो गए उनके वियोग का दर्द नहीं आया और कहते हैं बिछुड़ते न उड़ी अरबा है धाम धनी के बिछुड़ते हुए हमारे धाम धनी हमारे आधार हमारे भरतार हमारे प्राण जी ऐसे बोलते थे लेकिन उनको धाम जाते हुए देख करके भी उनको उन वे गए और हम बिछड़ गए बिछड़ते हुए भी कहते हैं न उड़ी अरवा है अरबा मतलब आत्मा शरीर से नहीं निकली वो शरीर से उड़ नहीं गई शरीर से निकली नहीं बिछुड़ते न उड़ी अरवाए धाम धनी का वियोग होने पर भी हमारे शरीर से आत्मा नहीं निकली आत्मा नहीं उड़ी पा, ये बोलते ना प्राण पखेरु उड़ गए बोलते हैं ना तो ये आत्मा धाम धनी के बिछोड़ होने पर भी आत्मा नहीं उड़ी साथ मिने तिन का मुख ऊंचा होवे क्यों ताए घटना तो देखती रही सब इस खुली आंखों से देखती रही लेकिन वो सहन करके बैठी उनके वियोग का दुख दर्द भी उनके हृदय में छलका नहीं देखा नहीं तो ऐसे सुंदर साथ, साथ मिने तिन का जो जो सुंदर साथ आगे चल गए परमधाम जागृत हो गए और पीछे आने वाले ब्रह्म आत्मा जो जागनी का सुख लेने वाले हैं जो जागृत पक्के सुंदर साथ है, पक्के आत्मा है उनके आगे या कहते मुख ऊंचा होवे क्यों ताए किस तरह से मुख ऊंचा होगा मुख ऊंचा होने का मतलब क्या है वो सिर ऊंचा होना यही है सिर ऊंचा होने का मतलब क्या है अभिमान से नहीं लेकिन स्वाभिमान गर्व से सिर ऊंचा होना हम कोई अच्छा कार्य करते हैं तो सिर ऊंचा होता है ना हम कहते हैं ना इसने तो हमारा सिर ऊंचा कर दिया अपने बच्चों को बच्चों के लिए बोलते हैं स्कूल में अच्छा मार्क्स लाया तो बोलते हैं इसने हमारा सिर ऊंचा किया किसी ने अच्छा कार्य किया तो बोलते हैं हाँ इसने तो अपने घर का और अपनी सोसाइटी का अपने अपने जिला का ही सिर ऊंचा कर दिया ऐसे हम दृष्टांत देते हैं ना तो यहाँ कहते हैं कि मुख ऊँचा होवे क्यों ताये तो ऐसे सुंदर सात जिन्होंने ये माया को अपना समझ करके धाम धनी के बिछुड़ने के बाद भी वे परमधाम नहीं गए अपने आप को रखे रखा ऐसे सुन्दर साथ कैसे अब जो कुर्बान हो गए समर्पित हो गए ऐसे सुन्दर साथ के सम्मुख इस प्रकार से मुँह खड़ा रह करके मतलब सीधा देख करके नज़र के सामने नज़र किस तरह से मिला पाएंगे उनका मुख ऊंचा नहीं हो पाएगा या कहते हैं मुख ऊंचा हो क्यों ताए उन लोगों के उन आत्मा जो अपने आप को रखे रखा जिन्होंने समर्पित नहीं हुए ऐसे सुंदर साथ जो कुर्बान हो गए उनके समक्ष तो किस तरह से मुख ऊंचा करेंगे यहाँ भी जो यहाँ समर्पित होने वाले ब्रह्मात्मा इस संसार में और जब परमधाम में जाएंगे तो मूल मिलाव में धाम धनी के समक्ष ऐसे ऐसे सुंदर सात ऐसी ब्रह्म आत्माएं बैठी होगी जो सबसे पहले उन्होंने शोभा ली और समर्पित हो गए धाम धनी के चरणों में उनके समक्ष जाकर के किस तरह से नजर मिलाएंगे ऐसे सुंदर साथ उनका मुंह कैसे कैसे ऊंचा होगा उनका मुंह ऊंचा होगा नहीं यह भाव है मुख ऊंचा होवे क्यों ताए उनके मुख किस तरह से ऊंचे होंगे तो यह अर्थ है जीती बाजी हार दई तो यहां कहते हैं जीती बाजी हार दई ए दर्द बड़ा मोमिना ये कहने में न आवत बहुत भारी होशी रोशन्ना अब यह कह रहे हैं जीती बाजी हार दई लालदास जी महाराज कहते हैं हमने क्या किया जीती हुई बाजी बस हार हमने हार लिया बस हाथ में जीत आ गई थी लेकिन हम हार गए यदि धामधनी के साथ साथ में हम अरभा छोड़ देते अपनी आत्मा को समर्पित कर देते प्राण छोड़ देते छोड़ देते तो क्या था हम जीत जाते लेकिन जीती हुई बाजी उस शुभ मुहूर्त उस शुभ घड़ी का हमने लाभ नहीं लिया लाभ लेने वाले दूसरे हो गए जीती बाजी हार दई जीती हुई बाजी हम तो जाना ही चाहते थे बस गए जा ही चुके थे लेकिन चा नहीं पाए वो हम हार में बदल गए जीती बाजी जीती हुई बाजी भी हार में परिणत हो गई ये दर्द बड़ा मोमिना ये मोमिन ये सुंदर सादे ब्रह्म आत्माओं के लिए ये दर्द ये बहुत भारी दर्द है बहुत ही असह्य पीड़ा है या बड़ा मतलब असही बहुत ही दर्द है बहुत दुख की बात है ये कहने में न आवत एक कहने में न ना आवता ये महसूस करने की बात है अनुभव करने की बात है इसको इसको वर्णन करने के कोई शब्द नहीं है इसको वर्णन नहीं कर सकते ये तो जिन्होंने अनुभव कर लिया बस वही अनुभव कर रहे हैं इसका कितना दुख होता है कितनी पीड़ा होती है ये अनुभव करने की बात है ये कहने में ना आवत लेकिन कह करके किसी को समझा नहीं सकते अब यहाँ कहते हैं बहुत भा भारी होशी रोशन्ना अब बहुत भारी होशी रोशन्ना देखिए अब इसको थोड़ा समझना पड़ेगा होशी होगा बहुत भारी मतलब अत्यधिक रोशन मतलब प्रकाश होगा प्रकाशित होगा किस चीज की तो यहां कहते हैं जो सुंदर साथ जो आत्माएं जो ब्रह्म मुनिजन धाम धनी के चरणों में संपूर्ण रूप से समर्पित हो गए उनकी रहनी करनी चाल चलन समर्पण की भावना इसके विषय में भविष्य में बहुत चर्चा होगी भविष्य में आने वाले दिनों में बहुत चर्चा होगी जिन्होंने अपने आप को समर्पित किया इसे सत्य धर्म के प्रति जो कटिबद्ध रहे जो आत्म धर्म सत्य धर्म के प्रति समर्पित रह करके अपने प्राण प्रियतम के साथ में चल दिए अपने धाम में जागृत हो गए उनके यशोगान या संसार जब तक रहेगा तब तक संसार में यशोगान होता रहेगा उनकी महिमा गाई जाएगी उनकी प्रशंसा होगी खूब उनकी लीला उनके चरित्र उनकी जीवनी प्रकाशित होगी और इसी तरह से परमधाम में भी जब जागृत होंगे तो ऐसी आत्माओं की गाथा ऐसी आत्माओं की जीवनी वहाँ पर मूल मिलावा में राज्य स्वयं अपने मुखार बिंद से उनकी प्रशंसा करते हुए वो गाएंगे प्रकाशित करेंगे मूल मिलावा में उनका जिक्र होगा उनका यह बात याद की जाएगी जो समर्पित हो गए और जो समर्पित नहीं हुए उनके विषय में भी भविष्य में भी चर्चा होगी और मूल मिलाव में भी चर्चा होगी और जो समर्पित हो गए वह तो बड़े प्रसन्न मुद्रा में धामधनी के सम्मुख बैठे होंगे और जो समर्पित नहीं हुए वो चेहरा लटका करके आंख नीचे करके बैठे होंगे यहाँ भी और मूल मिलावा में भी इस तरह से प्रकाशित होगा ये अर्थ है बहुत सुंदर अर्थ है बहुत भारी होशी रोशन्ना ये अर्थ यहाँ बता रहे हैं ना तो सिरदार शिरोमणि थी बेशक पहचान पर आखर बखत फल समय हाय हाय हमें कछु न ईमान अब यहाँ लालदास जी महाराज कह रहे हैं देखिए या इस पूरा प्रसंग बताया और कह रहे हैं ना तो सिरदार शिरोमणि देखिए राज्य की इच्छा जिनके ऊपर थी ये चले ये चले ये नहीं चले बस उनकी इच्छा अनुरूप ये सारा कार्य हुआ यदि ऐसा नहीं होता तो क्या यहाँ बोल रहे हैं ना तो सिरदार शिरोमणि नहीं तो हम भी क्या थे सिरदार थे शिरोमणि थे या सिरदार मतलब हम उन जमात में श्रेष्ठ थे ना हम उन जमात में आगेवान थे प्राणनाथ जी महाराज के बाद में दूसरा नंबर दूसरा स्थान किसका था लालदास जी महाराज का ही था ना कहीं भी जाते प्राणनाथ जी महाराज भी लालदास महाराज से परामर्श करके ही वो ये कार्य करते छाया की तरह वे रहे प्राणनाथ जी महाराज कि बाद में द्वितीय स्थान दूसरा स्थान तो प्राणनाथ लालदाजी महाराज का ही था इसलिए वे कहते हैं सुंदर साथ में हम श्रेष्ठ तो थे शिरोमणि थे मतलब वो आगे कहते हैं हम आगेवान थे अब शिरदार का मतलब ये आगेवान होता है आगेवान अथवा श्रेष्ठ शिरोमणि होता है देखो शिर का मणि हम शिरोमणि तो बोल देते हैं शिरोमणि का अर्थ किसी को पता है शिरोमणि का मतलब सिर का सिर की मणि सिर में पहनने वाला एक आभूषण शीर में पह, पहनने पहना जाने वाला एक आभूषण जिसको मुगुट भी बोलते हैं अलग अलग वस्तु भी पहनते हैं तो मणि, सिर का मणि सिर में पहना जाने वाला एक आभूषण अब आभूषण कुछ भी हो सकता है जिसकी सिर की भी शोभा हो मतलब सिर से भी ऊपर जिसका स्थान हो सिर की शोभा जिससे हो वो शिरोमणि ऐसा बोलते हैं तो उसको कोई गहना बोले आभूषण बोले मुकुट बोले कुछ भी वहां हम इस तरह से थे मतलब सुंदर सात समूह में हम शिरोमणि थे लालदास जी महाराज कह रहे हैं नहीं तो हम सरदार भी थे सिरदार मतलब आगेवान भी थे शिरोमणि भी थे सुंदर साथ के बीच में सबसे आगे स्थान हमारा था लेकिन थी बेशक पहचान इतना ही नहीं थी बेशक पहचान बेशक मतलब निश्चित रूप से निशंक रूप से निसंदेह निसंदेह कोई शंका नहीं थी कोई शंका नहीं थी बस परमधाम के विषय में भी जानकारी थी परमात्मा के विषय में भी पूर्ण रूप से हम जानते थे पहचानते थे प्राणनाथ जी को परमात्मा के रूप में ही जानते थे और हम स्वयं उनकी अंगना है ये भी जानते थे यह अर्थ है थी बेशक पहचान हमें धाम की पहचान थी धाम धनी की पहचान थी और अपनी आत्मा की भी पहचान थी पर आखर बखत फल समय इतनी पहचान होने के बाद भी परंतु पर परंतु आखर वक्त या आखर मतलब अंतिम समय में अंतिम समय कौन सा जब प्राणनाथ जी का धाम गमन हो गया ना प्राणनाथ जी अंतर ध्यान हो गए ना उस समय के लिए बोलते हैं वो फल लेने का वो प्रेम समर्पित सद्भाव वो सब कुछ वो फल मिलने की घड़ी में बस हम पीछे रह गए मतलब पर आखर अंतिम समय में आखर वक्त अंतिम समय में जो फल प्राप्त होने का समय था कौन सा विश्वास अभी तक धर्म में धाम में धाम धनी के प्रति जो हमारा विश्वास था जो हमारा प्रेम था जो समर्पण था उसका फल मिलने वाला था उसका फल क्या है धर्म के प्रति समर्पित धाम धनी के प्रति समर्पित आत्म पहचान के लिए स्वयं आत्म परिचय होने के बाद में जो फल मिलना था वो कौन सा फल था वो परमधाम था दिव्य अखंड परमधाम वो मिलना था लेकिन हम उसमें से वंचित रह गए इस समय हाय हाय हमें कछु न रहया ईमान हाय हाय इसका मतलब क्या होता है दुख के समय में व्यथा के समय में पीड़ा के समय में दर्द के समय में एक उच्चारित होने वाला शब्द उसको हाय हाय बोलते हैं कोई सुख में हाय हाय करता है नहीं करता है जब दुख होता है तो छाती पीट पीट करके हाय हाय बोलते हैं ना रोते हैं ना हाँ वो दुख व्यक्त करने का एक शब्द हाय हाय तो यहां कहते हैं हाय हाय हमें कछु न ईमान लाल दास जी महाराज बोलते हैं हमें कुछ भी विश्वास नहीं रहा ऐसे समय में हम पीछे रह गए ये हाय हाय क्या है व्यथा सूचक शब्द जिसको बोलते हैं कि यह व्यथा प्रकट कर रहे हैं लालदास जी महाराज हमें कुछ भी ईमान नहीं रहा न धाम के प्रति न धर्म के प्रति न धाम धनी के प्रति विश्वास रहा नहीं अब देखिए कितना आ, कितनी अटपटी बात लगती है लालदास जी महाराज स्वयं कहे हमें ईमान नहीं रहा तो विश्वास नहीं होता है कि लालदास जी महाराज में तो पूरा पूरा ईमान था ना अब बाद में इसका अर्थ खुलाते हैं यह है स्वयं को संबोधन करके सबको समझा रहे हैं जिसको ईमान नहीं आया जिसको विश्वास नहीं आया उनके लिए बोल रहे हैं लालदास जी महाराज भी वो कहते हैं हमें भी कुछ ऐसा कारण बना हम भी उस समय का लाभ नहीं ले पाए क्यों नहीं ले पाए ये सब सारा प्रसंग अब कल हम श्रवण करेंगे आज के लिए इतना ही बारहवीं चौपाई तक बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की ना तो सिरदार शिरोमणि तो शिरो थी बेशक पहचान

हाय हाय हमें कछु न ईमान बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की श्री सद्गुरु महाराज की श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम